अर्थात जो सब ब्रह्मांडों का रचनहार है, तो वो गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक ये कहा गया है कि कोई तो ऐसी साधना करता है, कोई योग अभ्यास करता है, कोई स्वाध्याय ही करता है, कोई मुंह पर पट्टी बांध कर तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखता है, कोई प्राणायाम करता है, कोई कुछ, तो सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक मानते हैं। पुणात्मा ये तो अंडरस्टूड है कि जैसे आप साधना जो कर रहे हो भक्ति, और आपको ये पता, आप यही मान कर कर रहे हो कि ये ठीक है। यदि आपको ये पता लग जाएगा जिस दिन ये साधना ठीक होनी, तो तुरंत त्याग दोगे आप। तो जो भी जैसी साधना करा उसको सही मान कर कर रहा है। तो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि इस प्रकार के वास्तविक यथार्थ ज्ञान उस परमेश्वर की सच्चिदानंद गण ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, उनको तू समझ और उनको कर्म जान, यानी वो कर्म करने करते करते उनकी साधना करनी होती है, और उनको जानने के बाद फिर सभी कर्मों से तू मुक्त हो जाएगा। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जो इन्होंने गड़बड़ की, अनुवादकर्ताओं ने, इन्होंने ब्रह्मणे जो शब्द है उस ब्रह्मणे शब्द का अर्थ गलत कर दिया। ब्रह्मणे शब्द का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, ब्रह्मणे मुखे शब्द आता उसमें, एक दिखाते हैं आपको। पुणात्माओं आज सभी शिक्षित है, अक्सर ज्ञान हो गया, बुजुर्ग ने, भाई बहन बेटी ने, बुजुर्ग ने, सभी अक्सर ज्ञान है सबको, और शास्त्र हमारे पास है, हिंदी में अनुवादित है, हम आसानी से समझ सकते हैं। और जहाँ पर इन नकलियों ने गड़बड़ कर दी, अनुवाद गलत किया, उसको भी हम पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ गड़बड़ कर गए, उसको अब हम ठीक करके पढ़ रहे हैं और हम परमात्मा पाएंगे। क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में ये वर्णन दिया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सिद्धि होती है, न कोई सुख होता है, न उनकी कोई गति होती है, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। फिर 24 में श्लोक में कहा कि अर्जुन इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में, यानी जो साधना करनी चाहिए और ना करनी चाहिए उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है, उनको तो सदग्रंथों में जो लिखा है उसी को मानना, किसी की दंत कथा पर आश्रित मत होना। सदग्रंथों में जो लिखा है और उसी वही संत बता रहा है मार्गदर्शक, तो ठीक है, इसके बाहर जो बता रहा है तो आउट ऑफ सिलेबस वो ज्ञान दे रहा है। आउट ऑफ सिलेबस जो टीचर पढ़ाता है वो टीचर ठीक नहीं, टीचर वही ठीक है जो हमारे सिलेबस के आधार पर, पाठ्यक्रम के आधार से हमें ज्ञान देता है। परमात्मा की प्राप्ति पुण्यात्मा कोई कठिन बात नहीं, सबसे कठिन ये काम हो गया कि हम परमात्मा को पहचाने कैसे और कौन सी भगवान की भक्ति श्रेष्ठ है, साधना वे ऑफ वर्शिप कौन सी ठीक है, उसको हमें कैसे विश्वास हो। तो इसलिए सदग्रंथ ही प्रमाण है हमारे लिए, उनसे ही हम समझेंगे। आप जी किसी भी संत पंथ में जाते हो, किसी संत के पास जाते हो, तो उसके अपने मंत्र न्यारे, अपनी साधना अलग, सबके न्यारे न्यारे नाम मंत्र जाप करने की विधि। परमात्मा एक, हमारे सदग्रंथ एक, उनमें साधना भी एक ही है, अन्य नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये बोल रहा है, ये कहता है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति एकाक्षरम, ओनली एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। फिर ये और 36 मंत्र कीता है कि हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे,
ओम नमः शिवाय ओम भागवते वासुदेव नमः एवं नमः, ये कहाँ से आ गए फिर एवं नमः? ये है मनमुखी। शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है इन लोगों का। ये जीवन अपना भी बर्बाद कर रहे हैं ये संत, और इन भोली श्रद्धालुओं को भी बर्बाद कर रहे हैं। परमात्मा ने ये आजकल आधुनिक उपकरण इसीलिए दिए, ये प्रोजेक्टर के माध्यम से और टीवी के माध्यम से पुण्यात्मा परमात्मा को आसानी से पहचान लेंगी, घर बैठे पहचान लेंगी। जिसको ढूंढने के लिए ऋषियों ने सारा जीवन गाल दिया, घर त्याग दिए, वो ना मिल रहा उनको, क्योंकि उनकी वे ऑफ वर्शिप गलत थी, उनका ज्ञान उनकी थ्योरी गलत थी। जिनकी थ्योरी गलत है उनका प्रैक्टिकल भी गलत ही होगा। झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लावें, ये वाद विदा चतुराई। जिनका ज्ञान ही झूठा है फिर वो मेडिटेशन 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम ध्यान लगाते, ध्यान कहाँ लगाते? तुम्हारा ज्ञान ही व्यर्थ है, तुम्हारी थ्योरी ही गलत है, तुम्हारा प्रैक्टिकल भी रॉन्ग होगा। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, ये पवित्र सदग्रंथ जिसके ऊपर हमने गर्व है, आज वो हमें के ज्ञान दे रहा है। इसके अनुवादक हैं श्री जय दयाल गोविंद का, इसके अनुवाद करता है श्री जय दयाल गोविंद का, ये इनके द्वारा हस्ताक्षर अपनी लिखाई में जय दयाल गोविंद का साइन है इसके। ये अध्याय नंबर 4 का अब श्लोक नंबर आपको 25 से लेकर 25 दिखाते हैं। यह है अध्याय नंबर 4 श्रीमद् भगवद गीता का, और ये 25 नंबर श्लोक है। यहाँ से शुरू करते हैं। अप्रे यानी अन्य योगीजन, दूसरे योगीजन साधक, योगीजन माने साधक, देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं, यानी वो कुछ देवताओं की पूजा करते हैं, और दूसरे अन्य माने दूसरे, परब्रह्म परमात्मा नहीं है ये, ब्रह्माग्नौ यानी ब्रह्म को परमात्मा मानकर उसी में अपने अपने यज्ञ के द्वारा साधना करते हैं, आत्म यज्ञ रूप हवन किया करते हैं। 26 में अन्य साधक श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में, यानी आँख कान मूंद के, ये कान बैठे रहते हैं, धुन सुनाएंगे धुन सुनाएंगे, हवन किया करते हैं। दूसरे शब्द आदि यानी शब्द सपरस रूप रसगंध, इनसे बचने के लिए ही साधना करते हैं। समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। 27 में दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को, यानी प्राणायाम आदि करके ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप योग रूप अग्नि में, योग माने साधना, हवन किया करते हैं। 28 में है और अन्य दूसरे द्रव संबंधी यज्ञ किया करते हैं। द्रव माने धन, धन से होने वाले, जैसे कि तब मंदिर का लठ डुबा दिया, कितना कोई घाट बनवा दिया, कितना दान कर दिया, कितना भंडारे कर दिए, द्रव संबंधी यज्ञ करने वाले हैं। और कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करते हैं, यज्ञ माने साधना, तपस्या माने जो तप करते हैं, हठ योग करते हैं, तथा दूसरे योगी योग रूप यज्ञ करने वाले, ये आसन आदि जिसको बोलते हैं योगा, ये आसन कर लिए, पेट का पानी इलाज कर दिखा दिया, इस तरह करते हैं। और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष, अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रत यानी मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैर घूमना, दिन सुबह सूर्यास्त होने से पहले खाना खा लेना,
ये इस तरह की, और कुछ यतनशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। स्वाध्याय, स्वाध्याय होता है जैसे पहले हम गीता जी का एक पाठ नित किया करते थे, कोई किसी का, कोई किसी का सदग्रंथ का पाठ करते हैं, उसको स्वाध्याय बोलते हैं। अब 29 में और 30 में इकट्ठा ही है, दूसरे कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, यानी पान अपान की क्रिया को अपना सूक्ष्म सांस करके प्राणायाम की तरह। अन्य योग वैसे ही अन्य योगीजन प्राण वायु में अपान वायु को, अन्य कितने ही नियमित आहार यानी अल्पहारी होते हैं, और कुछ प्राणायाम प्रयाण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। एते माने ये सभी साधक सर्वेपि यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। इसका अर्थ ये है वास्तविक में कि ये सभी अपने अपने क्रियाओं को पाप नाश करने वाली जानने वाले हैं, जानते हैं। अब 31 में क्या कहा है कि कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन परब्रह्म, सनातन ब्रह्म यान्ति, सनातन परब्रह्म लिखा इन्होंने, सनातन ब्रह्म माने परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, परम सतान सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अब यहाँ देखना, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन अर्थात शास्त्र अनुकूल साधना करने वाले साधक सनातन परब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुषों के लिए जो साधना करते नहीं, सत साधना नहीं करते, तो यह के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं, तो फिर नहीं नहीं फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। अब 31 तक आ गए हम, अब थोड़ा सा मौखिक बताते हैं। अब इसमें क्या बताया है कि कुछ तो ऐसी साधना करते हैं, कोई ऐसा साधना करता है, और ये सभी साधक अपनी साधना को पापनाशक जानते हैं। पापनाशक मीन सुखदाई, ये सुख देगा हमें, पाप से ही दुख होता है, पाप कर्म से दुख होता है, और पाप कर्म प्रारब्ध का कट जाता है तो सुख हो जाता है। तो ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं, सुखदाई मानकर करते हैं। और फिर क्या बताया कि जो सही सत साधना करते हैं वो पूर्ण परमात्मा को, परमेश्वर को प्राप्त होते हैं, और जो साधना भक्ति करते ही नहीं वो तो यहाँ भी दुखी, राग्य भी दुखी। अब चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ये बताया है, और 33 में क्या कहा है, जैसे इसमें लिखा ना, कोई तो धन द्रव संबंधी यज्ञ करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, धर्म के जैसे धार्मिक द्रव्य, द्रव्य माने जो धन से होने वाली क्रियाएं हैं, जैसे कि तो कोई भंडारा कर दिया, जो पैसे से होता है, एक तो शारीरिक क्रियाओं से होते हैं, जैसे कोई अटकर योग कर रहा है, कोई आसन कर रहा है, कोई मंत्र जाप कर, एक धन से होता है जो क्रियाएं, कि तो कोई मंदिर बनवा दिया, कि तो और कोई घाट बनवा दिया, कहीं कोई छोटे मोटे पैसे लगा करके धर्म अनुष्ठान कर दिए। कहते हैं चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में यह कहा कि द्रव यज्ञ से यानी धन लाने से जो क्रियाएं आप करते हो उससे ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। पुण्यात्मा कहने का भाव यह है कि जब ज्ञान तुम्हें हो जाएगा कि कैसे साधना करनी चाहिए और कहाँ दान करना चाहिए, गुरु बिन माला फेरते, ये ज्ञान बतावेगी, वो ज्ञान यज्ञ बतावेगी कि तुम कैसे कैसे धर्म धन लगाना चाहिए और कहाँ लगाना चाहिए। कुपात्र को दिया हुआ दान भी व्यर्थ होता है, और गुरु जी के बिना किया हुआ कोई भी धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ धर्म वो व्यर्थ होता है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों ने